जा रही हूँ। आज मोमो का रेसिपी है, ये देखिए ये मैंने कट के रेडी किया है। ये पत्ता गोभी है और ये हरा हरा धनिया है और ये गाजर है और ये शिमला मिर्च है। अभी मैं ये सब यहाँ डालने जा रही हूँ, मोमो के लिए रेसिपी बना रही हूँ। और इसमें है ये हरा मिर्च है और ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है कुटकर मैंने। ये सब अब मैं यहाँ पर मिक्स कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा नमक इसमें दूँगी। नमक देखिए इसको मैं यहाँ पर मिक्स कर दूँगी। ऐसे करके मिक्स करके अभी मोमो की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। ये एकदम बिल्कुल दार्जिलिंग वाला रेसिपी बनेगा। अभी ये दार्जिलिंग का मोमो बनेगा, चाइनीज मोमो है ये, देखिएगा। अभी इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए बर्तन में ढक के यहीं पे रख दूँगी। उसके बाद मैं मैदा गूनने जा रही हूँ। उसके बाद इसको मैं फिर से दिखाऊँगी क्या बनाऊँगी इसको। आइए दोस्तों, अब मैंने ये मैदा गून के रेडी किया है ये मोमो के लिए। अभी मैं इसको 15 मिनट तक ढक के रख दूँगी यहाँ पे, ऐसे करके 15 मिनट के बाद फिर हम रेसिपी दोबारा बनाएंगे। आइए दोस्तों, अभी मैं ये मैदा रेडी हो चुका है। अभी मैं मोमो के लिए रेडी कर रही हूँ। मोमो के लिए अभी मैं बेल रही हूँ, छोटा छोटा करके मोमो बेलूँगी। उसके बाद मैं बना के रेडी किया है सब्जी, अभी मैं इसको बनाऊँगी। ये बेल के रेडी किया है, ये देखिए। आइए, इतना सुंदर सा गोल बनाना पड़ेगा इसको। सब जगह हर जगह एक जगह मोटा एक जगह पतला नहीं बनाना है, इसको गोल गोल बनाना है। हर सामान बनाना है हर तरह का। डाल दूंगी चम्मच, आधा डाल दिया मैंने इनको, और इस सिस्टम में बना के बना जाऊंगी। ऐसे घुमा के इसे इसको बनाना है। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से बन चुका है मोमो। ये देखिए कितने अच्छे से बना है, ये देखिए दोस्तों। अभी ऐसे करके मैं बनाऊंगी हर एक मोमो। उसके बाद मैं स्टीम देने डाल दूंगी। मैंने बना लिया है, ये देखिए अब मैं स्टीम दूंगी। देखिए मैंने स्टीम तैयार किया है। ये एक एक करके मैं यहाँ पे रख के स्टीम दूंगी इनको। एक बार में हो जाएगा, स्टीम ज़्यादा नहीं है इसमें। एक एक करके इनको मैं स्टीम में डाल रही हूँ, ये देखिए। ज़्यादा नहीं है, ऐसा करके इनको मैं बता दूँगी। हो गया है, अभी मैं इनको दोस्तों मोमो की अचार अभी रेडी हो चुका है। मोमो के लिए अचार बनाया है मैंने। इसमें टोमेटो दिया है और रेड चिल्ली, और उसके बाद दिया है लहसुन थोड़ा सा, अदरक थोड़ा सा, उसके बाद चिल्ली पाउडर थोड़ा सा दिया है, दो टोमेटो दिया है। ऐसे करके पेस्ट करके मैंने अचार बना दिया है। ये अचार कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं मोमो स्टीम हो रहा है, अभी मैं थोड़ी देर बाद मोमो दिखाऊंगी आपको। आइए दोस्तों, मोमो बन चुका है, ये देखिए मोमो रेडी है। अभी मैं निकालूंगी इनको, निकाल के थाल में डालूंगी। स्टीम हो चुका है ये अभी। ये देखिए दोस्तों, मोमो तैयार है। आज का रेसिपी यही है, अचार के साथ मोमो। फिर दूसरे दिन में दूसरे रेसिपी के साथ मिलूंगी, क्योंकि मोमो का अभी दूसरा मोमो का ही अभी दूसरा अचार नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि अभी जल्दीबाजी में मैंने बनाया है इतना सब, ये देखिए। और दूसरे वीडियो में फिर मैं कल दूसरे रेसिपी लेके मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।